हमने गाड़ी वगैरह भी पार्क कर दी है नीचे, तो वो कुछ हमको भी बताएंगे हम बात किए कैसी है ना। हम मिल नहीं रहा मुझे, देखते हैं कहाँ मिलती है हमें स्टिंग। और क्या करें, बिल्कुल परिवार की ओर से ही बहुत फिर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये देख लो, अभी लगभग मुझे लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं अभी तक इधर धूप अभी, और सुधा लेते हैं तो सीन ऐसे कि हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अब तो बाहर मौसम थोड़ा जीत हो गई, शाम हो चुके हैं, गर्मी कम होगी, तो हम जाते पहले देखते अपनी गाड़ी को वहाँ पे रुकते हैं, वो अंदर आ गई थी तो वैसे कहा कोई ऐसे ताला वगैरह लेते हैं लगा के फिर चलते हैं अपने वहाँ पे था कटरा ही लगा था बस कटरा वगैरह बताते हैं आपको, तो बाकी की बातें करते हैं बाहर ही। तो यहाँ से चलते पहले अपना फोन कराइए फिर पैक करके उधर रखा हुआ, तो बस अब यहाँ से चलते रेस करा लेकिन घर लगा लिया अपने कमरे का ताला वगैरह, ये रही चाबी इसकी। तो अब सीन ऐसे है कि बताते हैं आपको हमारी गाड़ी कहाँ है, और ये था कुछ होटल तारा पैलेस, अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था, बजट के हिसाब से अच्छा ही है। तो ये कुछ ही जाता है वहाँ पे रास्ता, तो मैं बताता हूँ आपको हमारी गाड़ी कहाँ पे पार्क है, और ये ईयरफोन्स की ली रही, जो ईयरफोन्स ही लेने यार आज देखते हैं कोई अच्छी सी कंपनी के लेंगे, जो ब्लॉग एडिट करते हैं ना तो ब्लूटूथ वाले होते हैं, उनका रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, उनको देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रही अपनी धनो यहाँ पे खड़ी है आराम से, कोई चिंता वगैरह की बात नहीं है, भैया बोल रहे थे ठीक रहेगा इधर तो गाड़ी वगैरह, ये रही अपनी गाड़ी धनो इधर खड़ी है, तो बाकी थोड़ा बहुत सामान बीच में है तो ये थोड़ा खोल के चेक कर लेते हैं क्या कुछ सीन है इसमें। तो अभी का थोड़ी गंदी हुई है, देखते कपड़ा मार लेते इसको ना, इसको कर लेते थोड़ी देर साफ, थोड़ी देर इसको करते हैं साफ़ वगैरह, तो साफ वगैरह करते हैं फिर ये अपनी गाड़ी, तो चीज़ वगैरह ले ली है। तो अब क्या करते हैं कि फोगे पार्क अब देखते घूम के आते हैं क्या कोई सीन है, हम कितने दूर आए आपको बताते हैं, बहुत ही दूर आ गए हमें, थोड़ा लगता है एक डेढ़ किलोमीटर दूर, तो अब जाएँ। और हे दोस्तों ये रहे कुछ कटरा के व्यू शाम के, कितना मस्त हसीन मौसम, मतलब नाइट व्यू आ रहा है। तो अभी ऐसा सीन है कि थोड़े और देर आ रहे थे फिर और इधर मतलब क्या होगा नेरियाँ पड़ेंगी, तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं थोड़ा और अंधेरे करने का, फिर बनाते हैं अपना व्लॉग। तो बाकी देखते हैं यार कितना कुछ घूमना है हमने, कितना कुछ अभी देखा पिज़्ज़ा हट ही है, तो आज अकेले वही देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ, हम क्या क्या करेंगे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो नहीं मुझे। तो ये रहा कुछ व्यू यहाँ के, और वेज साउथ इंडियन बड़ा कुछ है यार, मतलब कि एक क्लास माल यहाँ पे मिलता है, माल के मतलब ये कहने का कि बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरीज हैं और दुकानें हैं, देखते हैं अभी और क्या मिलता है, जो जो मिलता है अच्छा सा बताते रहेंगे आपको। और ये जो आ रही है दर्शन करके आ रहे हैं, मुझे लगता है बुरी हालत हो चुकी है, तो ये पहुँच चुके हैं हम अपने माता वैष्णो देवी चौक में। तो बढ़िया बहुत ही ज़्यादा रश है देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अभी देख लो ये देखो भवंडर याद आया किसी को, भवंडर भवंडर ला दूंगा भवंडर। तो ये रहा अपना भवंडर, तो अच्छा व्यू है आप देख लो हसीन मौसम चेहरा। तो ये रही माता वैष्णो देवी का क्लोन्स, मतलब कि जो यहाँ पे नीचे पे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और ये रही यहाँ की बिग टीवी। तो बाकी ये रहा कुछ यहाँ का व्यू, कितना ही मस्त आई है, मतलब कि दिल भाग भाग हो गया। तो क्या करते हैं ऊपर तक चलते हैं थोड़ा, हम भी देख के आते हैं, अकेले आए लेकिन घूमेंगे सारा ही। तो हम चलते हैं शॉर्ट से क्योंकि आगे पुलिस खड़ी है और कहीं भी कभी भी पड़ सकती है हमें। तो ये रहे होटल वगैरह यहाँ के, तो साइड 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 बच बच ओह हम गलत लाइन में, मुझे लगता घुस गए, जाने वाली लाइन वो है और आने वाली लाइन ये है, तो इधर क्यों अंधेरा पड़ गया भाई, यहाँ से तो यात्रा शुरू है, पर क्या है चलो
देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। ये रही यहाँ के कुछ हसीन, ओह इतनी रोशनी हमारे कैमरे में नहीं आ रही है, तो फोकस हो गया था ऑटोमेटिक, तो इतनी रोशनी है कि हमारे कैमरे में कैद नहीं हो रही है। और मुझे जो यहाँ पे फील आ रही है यहाँ के देखने की, अब मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। तो बाकी जो सीन है यहाँ के वो तो आप देख सकते हो, खूबसूरती है जो इन दिनों तो चलो नहीं रहा रहती ऐसी है, इन दिनों तो चलो ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी क्या है कि यहाँ से मुझे लगता है यात्रा वगैरह कुछ शुरू होने का सीन है, तो पता नहीं मुझे पक्का कि नहीं आगे से है यार, कहूँगा अगर नहीं आगे थोड़ा आगे चलते हैं तो वापस से वापस आ जाएंगे। तो बहुत ही मस्त मस्त सीन, आ जा। तो यार मुझे लगता है मेरी स्क्रीन भी काफ़ी फ्लक्चुएट वगैरह कर रही होगी, तो उसके लिए हम कुछ स्टेबलाइजिंग का करेंगे कुछ। तो यार गाड़ी बहुत आ रही है इधर, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। नीचे मेरी कार थी जो मैक्सिमम कार वाले, उनको क्या हो रहा है कि उनको पीछे रोक रहे हैं। तो कल तो लाइन में घुस गए हम वापस, ये जाने वालों की लाइन है, आने वालों की कहाँ परली साइड है। तो और ये पहुँच चुके हैं हम चौक में, चौक में भैया साहब सीटी मार रहे हैं पुलिस वाले भैया। तो ये पहुँच गया हम एलईडी वाली आंटी के साथ, कहाँ गए एलईडी वाली आंटी, यहाँ कैमरे में ये देखी 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 ना, ओह चली गई वापस। तो ये रहा यहाँ का कुछ चौक, इस प्रकार से है कि बहुत ही हसीन है। तो ये रहा चौक, ये रहा इस साइड बस स्टैंड है, बस स्टैंड ही चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये सीन है यहाँ का। तो अपना ये रहा यहाँ पे था जो भी था मेन हमारा मकसद आने का, तो ये रही कुछ हमारी। Hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? तो तब तक हम यहाँ पे आए हैं इस फाउंटेन के पास, तो थोड़ी देर खड़े होते हैं इधर ही, तो एंजॉय करते हैं इसको, आप भी एंजॉय करो। आए आए हाय 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 हाय, तो बात करो तो थोड़ी देर ये करते हैं वेट। तो ये टीवी देखते हैं खड़ी होके, लेकिन घर पे छोटी टीवी है, यहाँ पे बड़ी टीवी देखते हैं हम आगे। और ये रहा हमारा फाउंटेन, इसको मस्त आए सुबह नहीं बोल सकते, बहुत ही मस्त व्यू आ रहे हैं। तो भैया तो फ़ोटो खींचने को खींच देते हैं, क्योंकि हम फोटो में वो नहीं बनना चाहते। तो अभी तक खड़े वेट कर रहे हैं अच्छी सी आरती होने का, आरती वगैरह होगी फिर हम वहाँ पर जाएंगे। तो बाकी रही यहाँ के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। तो ये अपना होटल, यहाँ पे हम नहीं रुक रहे, हम हमारा होटल लग है नहीं। तो बाकी ये वेलकम टू रात्रा फेस्टिवल, छोड़ो बाकी उसका अपना एडवर्टाइजमेंट है तो क्या ही दें। तो बाकी रही अपने यहाँ की, तो वो रहा हमारा भवन, यहाँ पे जाए गए हुए घर वाले। तो ये मुझे लगता है आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का है, तो ये हमारा अपना अर्धकुंवारी है, तो भवन है जो भवन सबसे टॉप पे है, उस साइड होगा मुझे लगता है। तो अभी वो पहुँच गए, मुझे कॉल आई थी अभी, मुझे लगता है घर वाले साथ आए थे, वो पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो बाकी अभी इधर इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अब आवाज़ का पता नहीं, आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, वो तो नेक्स्ट की बात है। बाकी यहाँ पे इंजॉय करते हैं, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा पाया, मेरे अभी मुझे सब्सक्राइबर्स मिल गए, मैं कोई चौंक रह गया तो मैं अभी नहीं बता सकता। तो अभी भी जस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स यार मेरे से मिल के, मैं सब्सक्राइबर्स नहीं थे ऐसे भैया थे, तो मैं व्लॉग बना रहा था तो वो मुझे देखते बोलते हैं आप यूट्यूब से हो, तो ऐसे ऐसे पूछने लगे तो दंग का दंग रह गया। तो अभी ना यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी भी ये तो यार मुझे गलती होगी, तो मेरे नाम वगैरह पूछी गए, लेकिन यार मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना। तो बाकी वो अभी भी गए हैं दर्शन के लिए, तो वो उनकी मन की मनोकामना पूरी हो। तो बाकी हम बैठे हैं इधर ही अकेले सुनसान इलाकों में, गाड़ियों को देख रहे हैं, ये बड़ी मस्त गाड़ी है दोस्तों। यार मुझे पता नहीं कॉपीराइट का आएगा कि नहीं आएगा, तो यार क्या करें, विमल परिवार की ओर से ही बहुत सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।
यार दोस्तों बहुत ही बुरी हालत है, मरने वाला था मैं तो। यार ये देखो इधर अब लाइन कम ही हो चुकी है, अब पता नहीं यात्री कम है, आज क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखो इधर आई नहीं कोई, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड वाली साइड, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भूख बहुत लग चुकी है और वहाँ पे कुछ आरती वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी जा रहे हैं इधर ही, तो देखते हैं यार क्या होता है अभी आगे। तो यार वो मिल गए यार, उनकी वीडियो नहीं बनाई, मुझे अभी तक दुख लग रहा है, काश बना लेता मैं तो कंटेंट या थंबनेल मिल जाता। चलो हर कुछ कंटेंट नहीं होता, तो अभी आए यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ है, तो यहीं से मुड़ जाते हैं गोलगप्पे हैं, लेकिन कौन खाएगा यार, गोलगप्पे नहीं खाने होंगे, कुछ और देखते हैं। ना ना इधर दुकान देखिए यार, उधर चलते हैं। हाँ तो ऊपर मैंने एक दुकान देखी है, उसमें पिज़्ज़ा वगैरह सीन है, तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं अगर वहाँ पे मिला तो वहीं पे खाएंगे और आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ मिला नहीं इतना, मैगी वगैरह ही है तो वो खानी नहीं है, तो उस साइड आए यहाँ पे तो खा ही चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ तो चलते हैं उधर ही बताते हैं। तो आ चुके हैं कुछ ऐसे होटल में, तो ये रहा होटल का कुछ सीन, तो अभी क्या भूख लग रही थी, चलो खाना ही खा लेते हैं, बाकी खाना वगैरह ऑर्डर कर लिया, खाना वगैरह आता बताते हैं मुझे खाना मंगाया तो खा के अपनी चलते हैं। हे दोस्तों आ चुके हैं वापस खाना वगैरह खा के, तो पेट फुल हो गए यार, लेकिन अभी भी भूख है, लेकिन किसकी भूख है, हमें भूख है अभी कोल्ड ड्रिंक स्टिंग की, तो स्टिंग देना शुरू करने पड़ेंगे उससे वगैरह तो वही चलो नहीं है। तो अभी ढूंढ रहे कोई अच्छी सी कोई दुकान, अच्छी सी क्या कोई दुकान ही मिल जाए, क्योंकि ऊपर से तो मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, वो जहाँ बस स्टैंड की तरफ गया था, तो इधर कुछ मिल नहीं रहा मुझे। ओ हो 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 हो, देखते हैं कहाँ मिलती है हमें स्टिंग। और छड़े मेरे, हमने अब चाहिए थोड़ा, काफ़ी 12 हो गया यार, वो तंदूरी फुलके थे। आए हाय हाय आए हाय हाय, पेड़ देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ मिलेगा आपको। तो अभी हमें लग चुका है एक सिपा, स्टिंग तो मिल गई, पर यार अंकल ने थोड़ी हमसे बदतमीजी कर ली, तो वो क्या की यार वो बताएंगे आपको आगे। यार बहुत हमें गलता फील हो रहा है, तो यार अंकल ने बहुत गलत कर दिया, स्टिंग हमें हाथ में दे दी, अब डालेंगे किसमें इसको। तो यार दोस्तों आ चुके हैं वापस अपने अपनी उस तरफ, जा रहे हैं अपने कहाँ पे, जा रहे हैं अपने कमरे में, तो सीन कुछ इस तरह के है, स्टिंग हमारे हाथ में है, अंकल ने बहुत ही बदतमीजी की हमारे साथ, बहुत ही हमें बुरा लगा, हमने बोला यार एक लिफाफा तो दे दो, अंकल ने लिफाफा भी नहीं दिया, तो हाथ में पकड़ा के भेज दिए। चलो अब देखते हैं आगे, कमरे में जाए या तो बस वहाँ तो कुछ था नहीं मिलना, तो ये थोड़ा बहुत मिला तो ये लेके चलते हैं। पहुँच चुके हैं अपने कमरे में, मुझे बहुत ज़्यादा थके और गन तो देख लिया, खर्चा पड़ चुका है, तो क्या करते जल्दी जल्दी शॉक्स वगैरह उतारते हैं, बहुत थक चुके हैं यार, बहुत दूर तक गया था मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टांगे दर्द कर रही है, उफ़ क्या हालत पाऊंगी। तो बस अब क्या है कि अपने व्यू वगैरह देख लिए, जो भी था मैंने बताना था, कोशिश की मैक्सिमम कवर करने की, तो मैंने आपको बता दिया, तो बस अब क्या करना, थोड़ी देर खाते पीते सामान लाया, थोड़ा बहुत स्टिंग वगैरह ये और क्या, तो वो खा पी के फिर करते हैं रेस्ट, फिर उस पर आ जाएंगे, तो वो कॉल वगैरह भी करेंगे, अब पता नहीं उनका सीन क्या बनने वाला है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो बस यार इस ब्लॉग को ये भी करता हूँ एंड, अगर ब्लॉग अच्छा ब्लॉग लगे तो दूसरी चैनल पर सब्सक्राइब करना, तो जो बाकी की सीरीज वो कल मिलेंगे, बाय।